सुरभि गुप्ता, यू पीडियाट्रिशियन। आज भी हम न्यूबॉर्न डेमोंस्ट्रेशन सीरीज में एक और बॉडी पार्ट, बेबी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लीन कैसे करना है, ध्यान कैसे रखना है। कई बार हम क्लीन तो कर लेते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते और कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। तो आज इसी में हम बेबी के जो ब्रेस्ट होते हैं, निप्पल्स होते हैं, वहाँ जहाँ पे मिल्क आ जाता है या ऐसे बेबी उठा हुआ रहता है, सूजा हुआ रहता है, तो इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उनके फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। साफ सफाई कैसे रखनी है ये तो डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा बेबी डमी। ऑल दो उसका आज इतना रोल नहीं है, आपको समझने का ज़्यादा रोल है, बट हम अपने बेबी डमी को साथ में ही रखेंगे। तो बेबी के जो ब्रेस्ट होते हैं वो जब पैदा होता है तो सॉफ्ट होते हैं, थोड़े दिनों बाद आप या दो तीन दिन में आप नोटिस कर सकते हैं कि वो थोड़े फूले हुए हैं, थोड़े स्वेल हैं, और उनमें से अगर आप थोड़ा सा मिल्क भी आ सकता है या अपने आप नहीं भी आता है, लेकिन हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ऐसे सूजा हुआ है और किसी ने, हमारे बड़े हैं घर में, उन्होंने, दादी नानी, उन्होंने बताया हुआ कि इसमें से दबा दबा के निकाल देना चाहिए तो मिल्क है वो निकल जाता है, वरना वो वहीं रह जाता है, या बड़े होकर के सूजन हो सकती है। गर्ल चाइल्ड में भी, मेल चाइल्ड में भी सोचते हैं कि बड़े होकर के ऐसे ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना। इट इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन और हमें ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। बेबी की जो ब्रेस्ट होते हैं आप सिंपली उसे नहलाइए, कोई प्रेस करना नहीं है, कोई मिल्क नहीं निकालना है, अपने आप धीरे धीरे वो मैटरनल हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे बेबी डिलीवर हुआ है इतने दिन तक वो माँ के अंदर था, तो माँ के हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, इस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, बट विद टाइम धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी सिकाई करते हैं, आटे को, आटे की लोई को गर्म करके वहाँ पे सिकाई करते हैं, दबाते हैं, कुछ लोग प्रेस करके दबाते हैं, और इसका इफेक्ट क्या होता है, कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको यहाँ का फोड़ा बन जाता है, एब्सेस बन जाता है, पस जमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो प्रेस कर करके दूध निकालने की कोशिश करते हैं उससे वो वहाँ जो निप्पल है उसका वो होल खुल जाता है और उससे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहुत ही आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। इट इज़ अ टेम्परेरी थिंग जो अपने आप ठीक हो जाएगी, उसके लिए हमें कुछ भी रेमेडी अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है बिना डॉक्टर के सलाह के, और डॉक्टर ऐसे एडवाइस तो कभी देंगे नहीं कि कुछ करना है। हाँ, उसकी वजह से एब्सेस हो जाता है, बच्चों को एडमिट करना पड़ता है, बच्चे को पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं और तब जाकर के ठीक होता है, और कई बार एब्सेस को ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बस बेबी के ब्रेस्ट को कुछ नहीं करना है, इट इज़ टेम्प्रेरी थिंग, अपने आप वो मिल्क एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्रेस्ट स्वेलिंग जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और जैसे आप नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को नहला रहे हो, बाकी सब कर रहे हो, वैसे ही उसकी केयर भी करनी है, तो और कुछ नहीं करना। तो बस इट इज़ अगेन अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, तो इसे सबके साथ शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट में थैंक्स लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आई केयर माई चाइल्ड को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जिसका नाम है ikmychild.co.in, और आप ड्रॉप वाइज पर भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।